जिनके सफीदों से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद रामकुमार गौतम सफीदों पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो विवादित बयान भी दे गए। रामकुमार गौतम ने विवादित बयान लोगों के समर्थन मांगते हुए दिया। रामकुमार गौतम ने कहा कि लोग बाहरी उम्मीदवार कहकर उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन नेताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये उनका आखिरी चुनाव है और वो चुनाव लड़कर विधायक बनने नहीं बल्कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने आए हैं। इसी बीच रामकुमार गौतम साथ न देने वालों के लिए विवादित बयान भी दे गए। हर आदमी ये सोचता है मैं एमएलए बनूं। जितने भाई इस वक्त नाराज है, हर आदमी यू कहते हैं यू कुछ करा गया, एमएलए तो मन्ने बनना था। चढ़ कट जाएगी भाई, सबके बीच में कह रहा हूं ये मेरा अंतिम इलेक्शन है, किसी को डरने की जरूरत नहीं नेता को, और जो मेरा साथ देगा उसका आगे फल लगेगा, जो मेरा साथ नहीं देगा उसका बीज जाम जो मेरे को बता दियो। और गुलशन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता जींद से इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। गुलशन, रामकुमार गौतम कहीं ना कहीं इस तरीके की बात पहले भी कहते आए हैं और उनका जो बयान देने का तरीका है वो इसी तरीके का रहा है? बिल्कुल, मैं बता दूं, रामकुमार गौतम है नारनौल से, पहले बीजेपी से विधायक रहे हैं, वो बड़बोले नेता के नाम से जाने थे, बेबाक बोलते हैं, जब भी बोलते हैं वो किसी की परवाह नहीं करते और अपने शब्दों को रोक नहीं पाते, और आज भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। वो सीटों के अंदर जब बीजेपी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें टिकट मिली है तो वहां पर उनका विरोध स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, यह मेरा अंतिम चुनाव है, लेकिन उन्होंने उसके बाद यह कह दिया कि जो मेरा विरोध करते हैं उनका यहाँ पर कोई बीज भी नहीं जामेगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर मेरा साथ दोगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपकी पोबारा हो जाएगी, लेकिन जो मेरा साथ नहीं देगा, मेरा विरोध करेगा, उसका बीज नहीं जामेगा। मतलब ये काफी बड़ा विवादित बयान दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे सुविधा हल्के के अंदर, हरियाणा की राजनीति के अंदर धमाल मचा दी इस बयान ने। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका।